निजी विद्यालयों की मनमानी जनपद हरिद्वार में रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके खिलाफ अभिभावकों के धरने में कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। इसी के चलते हरिद्वार में सैकड़ों अभिभावक विजडम ग्लोबल स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं कांग्रेसी नेता अशोक शर्मा ने इन अभिभावकों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि अभिभावकों को भाजपा सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। ये भाजपा की सह पर चल रहा है, मुख्यमंत्री की सह पर चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सह पर चल रहा है। एक तरफ तो कहता है कि बेटी पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ और ये करो, शिक्षा दो, फलाना दो। शिक्षा कैसे दी जाएगी? 4-4, 5-5 हज़ार ट्यूशन फीस के नाम से वसूले जा रहे हैं। एक महीने के 4-5 हज़ार तक ट्यूशन फीस के नाम पर बच्चों से वसूले जा रहे हैं। कहाँ से लाएं अभिभावक? स्कूल चल नहीं रहे हैं, बसें चल नहीं रही, क्लास चल नहीं रही और अनाप शनाप मांग रहे हैं। आप जायज बात कीजिए और सरकार पूरी की पूरी त्रिवेंद्र रावत जी और मैं तो कहूँगा नरेंद्र मोदी जी की सह पे हो रहा है। अब इन अभिभावकों की मांग है कि उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से सुना जाए और उनका हल निकाला जाए। न्यूज स्टूडियो के लिए ज्वालापुर हरिद्वार से अर्चना ढींगरा की रिपोर्ट।